नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा, लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था द्विविध संकुलन, और उसमें हमने आपको एकविमीय द्विविध संकुलन बताया था, साथ ही साथ द्विविमीय द्विविध संकुलन भी आरंभ कर दिया था। अब उसमें द्विविमीय द्विविध संकुलन में हमने पहला पार्ट आपको बताया था वर्गाकार द्विविध संकुलन। यहाँ पर अब हम जो पढ़ेंगे अगला प्रकार है वो षटकोणीय द्विविध संकुलन, यानी यह भी द्विविमीय द्विविध संकुलन का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं षटकोणीय द्विविध संकुलन। तो देखो इसमें क्या होगा, ये व्यवस्था किस प्रकार होती है। हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो कोई पंक्ति इस तरीके से है, ठीक है, ये पंक्ति है और इस प्रकार की हमारे पास अनेक पंक्तियां हैं। तो क्या होगा कि हम प्रथम पंक्ति, मान लो ये प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति हो गई। अब द्वितीय पंक्ति को हम प्रथम पंक्ति के साथ इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि द्वितीय पंक्ति का प्रत्येक गोला प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य उपस्थित रह सके। तो अर्थात या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्तों में द्वितीय पंक्ति के गोले उपस्थित रह सके। तो ये प्रथम पंक्ति के गोले हैं, इनका गर्त कहाँ है, ये जो बीच वाला जहां पर ये दोनों के बीच रिक्त स्थान आ रहा है इसको हम इसका गर्त बोले हैं। तो यहां पर हम द्वितीय पंक्ति के गोले को इस तरीके से व्यवस्थित करें, ये ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थित करें, ठीक। ये पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति व्यवस्थित की है, उसकी विशेषता क्या है कि इसके गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्तों में उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, फिर से तीसरी पंक्ति को इसके गर्तों में व्यवस्थित करेंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब फिर से जो चौथी पंक्ति आएगी उसको द्वितीय पंक्ति की भांति व्यवस्थित करेंगे उसके कणों को, यस ठीक। तो ये जो व्यवस्था यहां पर बन के आएगी इसको हम कहते हैं षटकोणीय द्विविध संकुलन। क्यों कहते हैं षटकोणीय द्विविध संकुलन, क्योंकि मान लो हमारे पास सपोज करें आप कि हमने एक अवयवी कण ले लिया, वो अवयवी कण ये वाला है, ठीक है, इसको हमने टारगेट कर दिया। अब इसको इस व्यवस्था में जब हम प्रॉपर रूप से गोले बनाएंगे तो इस व्यवस्था में इस गोले को जो स्पर्श करने वाले कुल गोले हैं वो कितने निकल के आते हैं ये देखना है बेटा, ये प्रॉपर रूप से व्यवस्था है, ठीक है, ये व्यवस्था। तो देखो इसको स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या कितनी है, एक तो ये हो गया, ये गोला स्पर्श कर रहा, दो तीन चार पांच छह। अब इन छह गोलों के केंद्रों को यदि हम सीधी रेखा के द्वारा मिलाएं बच्चों तो एक षटकोणीय व्यवस्था प्राप्त, ये देखो, इसलिए हम इसको कहते हैं षटकोणीय द्विविध संकुलन। यानी द्विविमीय जो द्विविध संकुलन होता है वो एकविमीय परतों के मिलने से बनता है, और वो दो प्रकार का होता है, वर्गाकार द्विविध संकुलन और षटकोणीय द्विविध संकुलन। वर्गाकार द्विविध संकुलन में द्वितीय परत और प्रथम परत के गोले को समाक्षीय रखा जाता है, यानी एक दूसरे के ठीक ऊपर या नीचे रखा जाता है। परंतु षटकोणीय द्विविध संकुलन में व्यवस्था जो होती है वो इस प्रकार होती है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम परत के गोलों के गर्तों में उपस्थित रहते हैं और तृतीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के गर्तों में, तो यही व्यवस्था अल्टरनेट चलती रहती है, ठीक है। तो मान लो हम अब चूंकि यहाँ पर पंक्तियों की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है, तो कैसी व्यवस्था, देखो इस चित्र में ये पंक्ति जिस प्रारूप में है पहली वाली उसी प्रारूप में तीसरे वाली है, दूसरे वाली पंक्ति जिस प्रारूप में है उसी प्रारूप में चौथे वाली है। तो यानी दो व्यवस्था पंक्तियों की बन रही है, तो इस आधार पर हम इसको मान लो पंक्ति ए नाम दे दें। अब ये वाली पंक्ति ए नहीं होगी क्योंकि इसकी जुड़ने की व्यवस्था अलग है, तो इसको नाम देंगे बी, ठीक है, तो ए बी। तो ये जो पैटर्न है, इस व्यवस्था का जो पैटर्न होता है इसको हम ए बी पैटर्न बोलते हैं, ए बी पैटर्न के, ठीक है बेटा। तो षटकोणीय द्विविध संकुलित व्यवस्था में किस प्रकार का पैटर्न होता है,
एबीएबी पैटर्न होता है ऐसा, ठीक है। और ये देखो चित्र बन के आ रहा था, षटकोणीय व्यवस्था है। अब बात करें हम इसकी संतुलन क्षमता की, षटकोणीय द्विविमीय, यह किसके अंदर चल रहा है, द्विविमीय निबिड़ संतुलन के अंदर चल रहा है। तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संतुलन में अवयवी कणों की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है उसका मान कितना होता है, इस केस में उप सह संयोजन संख्या कितनी आएगी बच्चों, ध्यान से देखो चित्र को, संयोजन संख्या क्या निकल के आएगी बेटा, कितने अवयवी कण है जो इसको स्पर्श कर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, कितनी होती है उप सह संयोजन संख्या, छह। तो ये होता है बेटा द्विविमीय निबिड़ संतुलन, यानी द्विविमा में निबिड़ संतुलन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। समझ में आया सबको, चलो इसी प्रकार अगला जो हमारा निबिड़ संतुलन है वो नंबर थर्ड, त्रिविमीय निबिड़ संतुलन, यानी त्रिविमा में निबिड़ संतुलन। तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा, त्रिविमा में निबिड़ संतुलन, नंबर थर्ड त्रिविमा में निबिड़ संतुलन। ठीक है, रूल पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। तो देखो बेटा ध्यान देने वाली बात है कि त्रिविमा में जो निबिड़ संतुलित व्यवस्था बनती है वो द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतों के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है, द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतों के द्वारा। और द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतें कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एक वर्गाकार निबिड़ संतुलित और एक षटकोणीय निबिड़ संतुलित। तो इसके अंदर हम हेडिंग बनाएंगे नंबर ए करके, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलित परतों द्वारा, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलित परतों द्वारा, किसके द्वारा बनाएंगे त्रिविमीय निबिड़ संतुलन, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलित परतों के द्वारा। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि साहब जो हमारे पास वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संतुलित परतें हैं उन परतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके ये व्यवस्था बनाएंगे। तो ये व्यवस्था कैसे बनाएंगे, मान लो एक परत द्विविमीय निबिड़ संतुलन की एक परत इस तरीके से मैंने बनाई, वर्गाकार की ऐसी स्थिति थी बेटा, ये वर्गाकार की पहचान है, ठीक है, ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संतुलित एक परत होगी। अब इस एक परत के ठीक इनके संरेखित मतलब जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है इसी के बिल्कुल ठीक ऊपर चिपकाना, दूसरी परत को हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने पर क्या व्यवस्था बनेगी बच्चों, दूसरी परत के गोले कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, इस तरीके से दिखाई देंगे, समझ में आ रही ना बात, इस तरीके से। ये दो परत हो गई, तीसरी परत के गोले हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, इस तरीके से। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो निबिड़ संतुलन व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संतुलन। और इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो पैटर्न होता है वह भी डबल ए प्रकार का पैटर्न, यानी एंड सो ऑन लिख सकते हैं, ए एंड सो ऑन प्रकार का पैटर्न होता है। तो इसको कहते हैं, ये जो यहां पर व्यवस्था निबिड़ संतुलित व्यवस्था बनी है यह व्यवस्था त्रिविमीय है। त्रिविमीय थ्री डायमेंशन से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये फ्रंट आपको दिख रहा है, एक ये वाली साइड हमको दिख रही है और ये ऊपर वाला भाग इसको दिख रहा है।
तो ये थ्री डायमेंशनल निविड संकुलित व्यवस्था है जो कि द्विमीय वर्गाकार निविड संकुलित परतों के द्वारा बनी है। ठीक है,